फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल क्यूजिन फेस्ट में। आज मैं आप लोगों के साथ टेस्टी, इजी और अमेजिंग स्वीट डिश रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे पर्सनली तो बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे कलाकंद। इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मावा लिया है, 200 ग्राम पनीर लिया है और इन दोनों को क्रम्बल कर लिया है। साथ ही में लिया है 10 से 12 बादाम जिसे पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है, 8 से 10 इलायची जिसे मैंने पीस लिया है और 4 चम्मच शुगर पाउडर। कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस पे पैन चढ़ा दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद हम उसे अच्छे से पैन में चारों तरफ फैला लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मावा ऐड करेंगे। मावा ऐड करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक बनाएंगे, जब तक मावा से खुशबू ना आए। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सुनहरा होने तक और मावा से खुशबू आने तक। मावा हमारा यहाँ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसे खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर ऐड करने के बाद इसे हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि ये दोनों आपस में मेल्ट ना हो जाएं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा पनीर और मावा आपस में अच्छे से मिल चुका है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा मावा और जो पनीर का मिक्सचर है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। हम यहाँ इसे हाथ से टच करके देख सकते हैं, ये हल्का गर्म है। अब हम यहाँ पे चीनी और इलायची पाउडर ऐड करेंगे। गर्म गर्म मिक्सचर में अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी और कलाकंद सेट होने में दिक्कत होगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम एक प्लेट या ट्रे में तेल लगा के इस मिक्सचर को उसमें निकाल लेंगे। तेल को लगा के अच्छे से फैला लेंगे। अब हम मिक्सचर को इसमें निकालेंगे प्लेट में और एक बराबर लेयर में अच्छे से फैलाएंगे। ये देखिए मैंने मिक्सचर को प्लेट में अच्छे से फैला लिया है एक बराबर लेयर में। अब हम इस पे बादाम की गार्निशिंग करेंगे। हमारा मिक्सचर पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए हमारा कलाकंद अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे किसी कटर या नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। मैं यहाँ कटर यूज कर रही हूँ। अब इसे कट करने के बाद प्लेट को हल्का सा गैस में गरम कर लेंगे, इससे हमारा कलाकंद अच्छे से निकल जाएगा। कलाकंद हमारा बनके अच्छे से रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा कलाकंद बनकर बिल्कुल रेडी है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी इसी तरह की रेसिपी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।